दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ हम आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो KPPSC में अकाउंट कैसे बनाते हैं उस हवाले से है। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अकाउंट बनाना नहीं आता। आज हम KPPSC में अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, नेट आपके पास होना चाहिए, उधर जाकर लिखना है KPPSC, ये। उसके बाद ही ये फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट है उसमें जाकर आपने अपना खोलना है इसे फर्स्ट वेबसाइट को। ये KPPSC की वेबसाइट खुल चुकी है। उसके बाद जी आपने देखना है कि नीचे आने मोबाइल से ज़्यादा बेहतर है कि आप कंप्यूटर पे बनाएं, तो ये सबसे पहले ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। मोबाइल में भी सबसे पहले होगा, इधर भी सबसे पहले है, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये अप्लाई ऑनलाइन इस पर भी हो सकता है। इस पर क्लिक कर दें आप, ये कुछ ऐसा डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जी आपने अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना CINAC इधर डालना है, CINAC, और अपना पासवर्ड आपने इधर डालना है और साइन इन कर देना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है, ठीक है। ये साइन अप, ये देख सकते हैं आप साइन अप कर, और नीचे आपका नाम, डोमिसाइल, CINAC और ईमेल पासवर्ड और बना देना है। कैसे जी, अब इधर अपना नाम लिखना है आपने, जो भी आपका नाम है, हम हमारा कुछ भी XYZ कर देते हैं जी से, ठीक है जी। और उसके बाद जी डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट से है, आप इसको अहमदाबाद कर दें, ठीक है। NIC, CNIC आपका जो भी है आप वहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपने इस तरीके से आपका जो भी CNIC है आप वहाँ लिख सकते हैं। ईमेल जो भी आपकी है आप उधर आप इस तरह लिख दें, ये भी उधर, ईमेल आपने इधर लिखनी है, ठीक है जी। जो भी आपकी हो, जो भी आपकी ईमेल है आप लिख दें। उसके बाद जी पासवर्ड, आप अब आपको सजेशन दे रहे हैं, यूज सजेस्टेड पासवर्ड, ये इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, एक प्लस बड़ा भी होना चाहिए और एक बीच में साइन भी होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए, ये इस तरह कह रहा है। तो आप इधर अपना पासवर्ड डालकर आसानी से अपना अकाउंट डाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके नीचे ये जो इजी पैसे की वीडियो है वो हमारी टॉप पर आ रही है सेटिंग में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं हाउ टू पे EMS या KPPSC की, तो फर्स्ट नंबर पर मेरी वीडियो है। तो जोन वाइज जो डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं कि जोन वन में कौन कौन से इलाके आते हैं, जोन टू में कौन से आते हैं, जोन थ्री में कौन से ज़्यादा इलाके आते हैं जी, और जोन फोर में कौन से आते हैं, और जोन फाइव में कौन से इलाके हैं। हमारा जो अहमदाबाद है वो जोन फाइव में आता है, ये ठीक है। तो ये सारा अकाउंट बनाने का तरीका है, ये सारी आपने बनाकर ये सब कुछ लिख कर यहाँ आपने साइन अप कर देना है ताकि आपका अकाउंट बन जाए, ठीक है। तो ये इधर कह रहा है डोंट यूज स्पेशल करेक्टर लाइक दैट, ये जो स्पेशल करेक्टर हैं ये आपने नहीं यूज़ करने। और एक और चीज़ जो मैं आपके इधर बताना चाहता हूँ कि आपका जो आगे अकाउंट बन जाएगा उसमें आप अपना नाम और शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं कर सकते, नाम अपना नाम व्हाट्सएप पर चेंज कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं। अपना नाम इंतहाई एहतियात से तसल्ली से लिखें, स्पेलिंग चेक करके लिखें ताकि आपका आगे मसला ना हो, और शनाख्ती कार्ड नंबर भी आप इंतहाई एहतियात से लिखें, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अकाउंट होता है इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, इस अकाउंट को आप
जो मुख्तलिफ गलतियाँ हो जाती हैं उसमें आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।